वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता जगमोहन वर्मा ने शिवसेना से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जगमोहन वर्मा ने सांवेर तहसील पहुंचकर शिवसेना से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी से तमाम पदों से इस्तीफा देने के बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे संपर्क किया है और मनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उन्होंने शिवसेना से अपना पर्चा दाखिल किया है। जगमोहन जी, इतना ऐसी खबर भी इस तरीके की आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता व विधायक भी आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश संपर्क तो कर ही रहे थे, जैसे आकाश विजयवर्गीय जी, मैं उनके क्षेत्र का मतदाता हूँ, उन्होंने इस समस्याओं को निपटने के लिए काम किया है। लेकिन जो एक व्यापारी का एक अड़ियलपन है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इंदौर के अन्य हम्बाल संघ तो चल रहे हैं, अब वो पाँच हम्बाल संघ क्यों वहाँ क्यों काम बंद कर दिया गया? और वो पांच हम्बाल संघ भी भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोगों के, उसी क्षेत्र में 10 और हम्बाल संघ हैं वो जो चल रहे हैं कांग्रेस के समर्थित, जीतू पटवारी के समर्थक हैं, उन्होंने अपने कमलनाथ जी की सरकार में उस 10 हम्बाल संघों को चलाया, चालू करवाया, लेकिन हमारे इन पाँच हम्बाल संघों को क्या है, हमें गुंडा करार दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 35 सालों में हमारे ये जो हम्बाल संघ है ये 35 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, 15 हम्बाल संघ हैं वो रजिस्टर्ड हैं, आज तक 35 सालों में किसी भी हम्बाल का किसी भी व्यापारी से कोई विवाद कोई झगड़ा नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं है। दूसरी ओर इंडस्ट्रीज ऑफ एसोसिएशन का वो जो उपाध्यक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी आरती प्रकोष्ठ का प्रांतीय संयोजक है योगेश मेहता, उसके खिलाफ बाणगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज है, उसके खिलाफ आर्थिक अपराध का मामला चल रहा है, उसके खिलाफ एक मामला और दर्ज होना चाहिए कि 3 करोड़ की सामग्री कोरोना के बेची है उसने, और एक का भी बिल नहीं काटा और उसका भी टैक्स बचा के बैठा है। किसी अन्य दल द्वारा भी आपसे संपर्क किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी का जब तक कार्यकर्ता था तो शिवसेना के संपर्क में था। तो भारतीय जनता पार्टी से आपने औपचारिकता से विदाई ली है या किसी को सूचना दी इस तरीके से? अरे, मैं उनको लिखित में देखे, आज 7वां दिन है, मेरे घर नगर अध्यक्ष आए, मेरे घर विधायक आए जो मेरे बच्चे की उम्र के हैं, अब मैं बच्चों से क्या बात करूं? नगर अध्यक्ष तो मेरे जो मेरा बड़ा लड़का उससे भी 2 साल छोटा है, गौरव रणदिवे, उनसे क्या बात करें? देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।